इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि VI के सिम पर अगर आपको इस तरीके से दिखाई देता है सॉरी अनेबल टू लिंक, ठीक है, रिचार्ज करते टाइम, कोई पेमेंट करते टाइम तब ये इशू क्रिएट हो रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर जो है आपको ऐप्स में जाना पड़ेगा, मैनेज ऐप्स में जाना पड़ेगा और VI को सर्च कर देना है, VI ऐप को, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप इतना सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगी निकल कर, ठीक है, ये रही यहाँ पर, इसको खोल लीजिएगा और यहाँ पर जो है आप इसे अगर रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज लग रहा हो तो सब पर टिक करके ओके रहने दीजिएगा। अदर परमिशंस पे वाईफाई कनेक्टिविटी को यहाँ पर स्टार्ट कर देना है, ठीक है, बाकी यहाँ से बैक ला दीजिए, फिर बैक ला दीजिए, बैक ला दीजिए और एडिशनल सेटिंग्स में जाकर डेट एंड टाइम को दोनों को ऑटोमेटिकली यहाँ पर लगा देना है, ठीक है, फिर बैक लाना है, यहाँ से बैक ला दीजिएगा और फिर जो है आप सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर जाइएगा और यहाँ से उस दूसरे वाले सिम कार्ड को खोल दीजिएगा और एक्सेस पॉइंट नेम को यहाँ से रीसेट कर दीजिएगा, प्रेफर नेटवर्क टाइप को 2G और उसके बाद जो लेटेस्ट चल रहा हो 5G प्रेफर उस पर लगा देना है एंड आप फिर उसके बाद VI को अपडेट भी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर प्ले स्टोर में जाइएगा, VI ऐप को सर्च कर दीजिएगा एंड इसको जो है यहाँ से अपडेट कर दीजिएगा। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो फिर सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। बस अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।